मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 9.2 के एग्जांपल्स किए थे। आज अपन एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 77 पर एक्सरसाइज 9.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक अ बार ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ हॉलीडेज कमिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई टू दिसंबर। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका कैलेंडर लेना है, ठीक है, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको हॉलीडेज काउंट करना है कि जुलाई में कितने संडे है ना, अगस्त में कितने, ठीक है। इस तरह से आपको दिसंबर तक के संडे काउंट करना है। संडे के साथ साथ जिस मंथ में जो अदर हॉलीडेज आ रहे हैं आपको वो भी काउंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, ठीक है। अभी कोरोना की वजह से स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक टोटली हॉलीडे कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको ओनली संडे काउंट करके लिखना है, ठीक है। तो आप कैलेंडर लीजिएगा और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की हॉलीडेज काउंट करके ग्राफ बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 78 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अ ग्रुप ऑफ वुमेन मेक पापड़। देखिए बहुत सारी लेडीज है, उनका ग्रुप है, वो पापड़ बना रहे हैं। अब पापड़ है वो कौन से कितने बनाए वो आपको बताना है। आपको इस तरह का एक पिक्टोग्राफ दे रखा है और यहाँ मेंशन कर रखा है कि जो एक पापड़ है वो 10 पापड़ को रिप्रेजेंट करता है। जो एक पापड़ का डायग्राम है वो कितने पापड़ बताता है, 10 पापड़ बताता है। तो देखो बताओ बनने को कितने पापड़ बने, 10, 20, 30, 40, 50। इसका मतलब क्या होता है 1, तो 51, 52। बनने को कितने पापड़ बने, 52। अब देखो ट्यूसडे को कितने बने, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ट्यूसडे में लिखना है 60। वेडनेसडे को कितने बने, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे को कितना बना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो लिखना है 70। नेक्स्ट फ्राइडे को कितने पापड़ बने, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53। नेक्स्ट सैटरडे को कितने पापड़ बनाए, 10, 20, 30, 31, 32, 33। उसके बाद में संडे को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, ठीक है। अब आपको ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके आपको आंसर देना है। फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम पापड़। सबसे ज्यादा पापड़ कौन से दिन बने और कितने बने, तो सबसे ज्यादा पापड़ कब बने, संडे को, और कितने बने, 83। अब ये पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन कि फ्राइडे और मंडे में से कब ज्यादा पापड़ बने, फ्राइडे को या मंडे को। तो देखो फ्राइडे को तो 53 बने, मंडे को 52 बने, तो ज्यादा 52 है 53, 53, तो फ्राइडे को ज्यादा पापड़ बने। और कितने ज्यादा बने, 53 - 52 = 1, मतलब जो फ्राइडे को पापड़ बने वो मंडे से एक ज्यादा बना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 smile = 5 children एंड टैली मार्क 1 = 1, देन मेक अ टेबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट इन द वीक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट थे एक क्लास के, अब क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, इनके लिए आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो देखिए मैंने तो अभी 20 स्टूडेंट की क्लास मान ली है, आप कितने भी स्टूडेंट की मान लीजिए, ठीक है। अब बच्चे स्कूल तो मंडे से लेकर सैटरडे तक ही आएंगे, संडे को तो काउंट करना नहीं, संडे को तो ऑफ रहता है ना, तो आपको सबसे पहले डे में मंडे से लेकर सैटरडे तक की काउंटिंग करनी। फिर आपके मन से कोई सी भी दिन कितने भी स्टूडेंट बता दीजिए, मैंने 20 की क्लास ली तो इसमें बता दिया मैंने अपने हिसाब से मंडे को, आप कितने भी स्टूडेंट बना सकते हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि जो एक स्माइल है इसका मतलब है 5 स्टूडेंट। तो देखो 5 को 20 से डिवाइड किया कितना आया, 4, तो 4 स्माइल बना दी। 5 को 18 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3, और रिमाइंडर बचा 3। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना उसके तो टैली मार्क बनाना है। इस तरह से ये मैंने बनाया है और इन क्वेश्चन के आंसर भी मैंने अपने बेस पर दिए हैं, आप कितने भी बच्चों की क्लास बनाकर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको आपकी मेंस की फेयर में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे।